हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अम्ब्रेला स्लीव्स की डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके लिए काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे। तो ये बैक नेक डिज़ाइन है और इसी का मैं फ्रंट पार्ट भी कटिंग और स्टिचिंग कर रही हूँ, ताकि आपको ये जो स्लीव्स है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको इसे कटिंग करना है और किस तरीके से इसे लगाना है ब्लाउज में। तो मैं यहाँ पर प्रिंसेस कट का पार्ट भी कटिंग कर रही हूँ। 1 मीटर मैंने यहाँ पर स्लीव्स के लिए फैब्रिक लेना है। देखिए, अगर आप इस तरीके की स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर 1 मीटर फैब्रिक लेना है और ये डबल लेयर स्लीव्स रहेगी, अम्ब्रेला बेल स्लीव्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। 32 साइज़ का ये बैक पार्ट है। इसका लिंक मैं आपको डिज़ाइन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप इसे देख कर बना सकते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पर देखिए अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। आप इसकी कटिंग खुले भाग से भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट ओपन है प्रिंसेस कट। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए। ये फ्रंट ओपन बना रही हूँ मैं और यहाँ पर 1/2 इंच नीचे से मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 1/2 इंच हाई हुक की पट्टी के लिए लिया है। जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो टोटल लेंथ में 1/2 इंच नीचे से आपको एक्स्ट्रा लेना होता है। मेजरमेंट बोट नेक के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, क्योंकि बैक डिज़ाइन जो है इसका वो बोट नेक के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ ली है मैंने 14 इंच, नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और बोट नेक के हिसाब से इसका जो शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट रहेगा वो 6.5 इंच है, 6.5 इंच लेना है शोल्डर एंड आर्म होल। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मार्किंग हमने कर लेनी है। इसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन किया है। चेस्ट का 4th भाग होगा 8 इंच और 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। मार्जिन आपने अपने बैक पार्ट में जितना लिया है उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे। कमर है 26 इंच, उसका 4th भाग होगा 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमने साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो आर्म होल तरफ से लिया है मैंने 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। 2 से 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं नीचे से। और अब हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कटिंग कर लेना है। और बेल स्लीव्स जो है वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कटिंग करना। अब हमने आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है। बोट नेक में हम आर्म होल की गहराई थोड़ी ज़्यादा करते हैं, तो 0.75 अंदर की तरफ करते हुए आपको मार्किंग करनी है और इस तरीके से आपको यहाँ पर गोलाई देते हुए इसे कटिंग कर देना है। इसके बाद अब हमने यहाँ पर गले की मार्किंग करनी है। गले की विड्थ मैंने रखी थी बैक पार्ट में 3.5 इंच, 3.5 इंच, तो मैं फ्रंट के लिए भी इतनी ही ले रही हूँ। और फ्रंट नेक लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पर 6 इंच। बोट नेक में आगे का जो गला है वो इतना डीप आप तभी रख सकते हैं जब आपने गले की चौड़ाई कम रखी हो। अगर आपने गले की ब्रॉडनेस ज़्यादा ली है तो आपको गले की लेंथ भी कम ही रखनी है। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर गले का राउंड शेप दे दिया है। और नीचे से विड्थ में प्रिंसेस कट के लिए लिया है मैंने 3 इंच और ये मार्किंग आपको करनी है हाई हुक की पट्टी का 1/2 इंच छोड़ते हुए। टक्स पॉइंट लिया है 10 इंच पर और यहाँ से आपको 3/4 इंच पर विड्थ में मार्क करना है और इसे नीचे की तरफ मिला देना है। इसके बाद इस लाइन को हम आर्म होल्स की तरफ मिला देंगे। यहाँ से विड्थ में आपको लेना है 1.5 इंच और लेंथ में लिया है 2 इंच। इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमने प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर इस तरीके से बना लेना है। नीचे से जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसे हम ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे इस तरीके से शेप देते हुए। तो देखिए मार्किंग मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कट की कंप्लीट कर ली है और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग आपको इस तरीके से यहाँ पर कर लेनी है। बीच में से इसे ओपन कर लेंगे, प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट कर लेंगे और इसके बाद इसे मेन फैब्रिक पर आपको कट कर लेना है। तो देखिए इसे मैंने मेन फैब्रिक पर भी रखकर कट कर लिया है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे, ब्लाउज को पूरा फिटिंग लगा देंगे और उसके बाद हम स्लीव्स को तैयार करेंगे, क्योंकि ये जो स्लीव्स हम बना रहे हैं अम्ब्रेला स्लीव्स, ये ब्लाउज पूरा कंप्लीट होने के बाद ही अटैच होती है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है, अब हम इन्हें अटैच करेंगे अस्तर के साथ। तो मेन फैब्रिक को आपको देखिए इस तरीके से आमने सामने की तरफ रख लेना है।
जो इसका उल्टा वाला भाग रहेगा वो हमने ऊपर की तरफ रखा है। दोनों पार्ट को आमने सामने इस तरीके से रख लेना है। अब हम इसे स्टिच करेंगे, तो चारों तरफ से इस पर सिलाई लगाकर इसे आपको अटैच कर देना है। सिलाई लगाते समय आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कोई भी सेल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। सेल आता है तो उसे आप सिलाई को खोलकर वापस से लगाएं। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है उसे हमने कट करके निकाल देना है। और सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी आमने सामने रखकर पहले आप पिन लगाएं, उसके बाद ही इसे सिलाई लगाएं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर देना है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद मैं इन्हें अटैच करूंगी। तो देखिएगा, यहाँ से नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें इसे अटैच करना है इस तरीके से। ये वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर इसी तरीके से अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए प्रिंसेस कट पार्ट को यहाँ पर सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से अटैच हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है वो आपको कटिंग कर देना है। तो इसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पर हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हाई की पट्टी मैंने बनाया है, इसे नीचे की तरफ रखना है। सीधा रखते हुए आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। जैसे मैंने इस तरफ हाई की पट्टी लगाई है तो आप दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई हम बाहर की तरफ से इस तरीके से लगाकर एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब लगानी है दूसरी तरफ हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी आप सिंगल कपड़े पे भी ले सकते हैं और डबल कपड़े पर भी ले सकते हैं। यहाँ से भी हमने आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए और हुक की पट्टी को इस तरीके से अटैच करना है। पट्टी को फोल्ड करके अंदर की तरफ कर देंगे और ऊपर नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। इसके बाद हमने गला तैयार करना है। गले को आपको देखिए उरेब पट्टी से बनाना है। 1.25 इंच की चौड़ाई में मैंने यहाँ पर उरेब पट्टी कट की है, तिरछी पट्टी। उसे आपको गले पर इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए लगाना है। छोटे छोटे कट लगाने हैं यहाँ पर और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हम गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो बिल्कुल पतला आपको इसे फोल्ड कर लेना है। पट्टी जो है वो बाहर की तरफ सीधी तरफ नहीं दिखनी चाहिए। तो ये गला भी हमारा फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं दूसरा वाला नेक भी रेडी करूंगी इसी तरीके से। गला तैयार होने के बाद हमने क्या करना है, दोनों पार्ट को आमने सामने रखना है एक के ऊपर एक और बराबर करते हुए इन्हें चेक करना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए यहाँ पर नीचे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले आपको इसे कट करना है। अब मैं लगा रही हूँ नीचे से हुक की पट्टी, सॉरी यहाँ पर नीचे मैं लगा रही हूँ कमर पट्टी। नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से कमर पट्टी को अटैच कर देंगे। कमर पट्टी को अंदर की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया है। दोनों ही पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखिए। अब मैं करूंगी इसका शोल्डर जॉइंट। तो आगे गले की तरफ से बिल्कुल बराबर रखते हुए हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। आर्म होल्स तरफ से अगर कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो उसे आप कटिंग करके निकाल सकते हैं, पर गले की तरफ से ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए। डबल सिलाई आपको यहाँ पर लगा देनी है और एक्स्ट्रा पार्ट जो शोल्डर का निकल रहा है उसे कट करने के बाद यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। सेंटर बैक पार्ट के सेंटर में एक मार्क करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो आप उसे कटिंग करके बराबर कर लीजिएगा। आर्म होल्स तरफ से भी ऐसे अच्छे से बराबर कर लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर दिया है और इसके बाद मैं अपने ब्लाउज के सीधी तरफ एक सिलाई लगाऊंगी। दोनों ही तरफ से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम अपने ब्लाउज को करेंगे उल्टा मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो अच्छे से सारे पार्ट को बाहर की तरफ निकाल लेंगे
और यहाँ पर एक सिलाई पहले कॉर्नर की लगाएंगे दोनों ही तरफ। उसके बाद हमने चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग लेना है यहाँ पर। तो हाई की पट्टी को छोड़ते हुए आपको चेस्ट और वेस्ट का मार्किंग यहाँ पर करना है। चेस्ट का लिया है 8.5 इंच, कमर का लिया है 6.5 इंच और फिटिंग की सीधी सिलाई लगा दी है। दोनों ही तरफ इसी तरीके से आप फिटिंग कर लीजिए अपने ब्लाउज पर। ब्लाउज को देखिए मैंने सीधा कर लिया है, तो चलिए अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, आप एक ही बार में इसे देखकर सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से डबल लेयर अम्ब्रेला स्लीव्स को बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने 1 मीटर का फैब्रिक लिया है और ये 2 पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 15 इंच की है। इसकी लंबाई चौड़ाई 15 इंच है और ये जो मैंने दूसरा वाला पार्ट लिया है इसकी लेंथ और विड्थ है 12 इंच। ये देखिए इसकी लेंथ और विड्थ है लगभग 12 इंच की, लंबाई चौड़ाई 12 इंच है और ये भी डबल फोल्ड में है फैब्रिक, क्योंकि हमने 2 स्लीव्स की कटिंग साथ में करनी है। तो सबसे पहले हम ये जो हमने 15 इंच वाला लेंथ और विड्थ में फैब्रिक लिया है इसे इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है अच्छे से बराबर रखते हुए। चारों तरफ से ये कपड़ा बराबर आना चाहिए। उसके बाद मैंने इसे एक फोल्ड और किया है और इस पर मैंने पिन अटैच कर दी है। और ये स्लीव्स आप जब भी बनाते हैं फैब्रिक को थोड़ा सॉफ्ट वाला फैब्रिक का आप लीजिएगा तो ये स्लीव्स बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए एक मार्किंग हमने इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। कपड़ा यहाँ से भी बंद है और इस तरफ से भी बंद है। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे 7.5 इंच पर, क्योंकि इसकी लेंथ जो आ रही है वो 7.5 इंच आ रही है। तो टोटल में इसी तरीके से बिल्कुल जैसे हम अम्ब्रेला की मार्किंग करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है 7.5 इंच पर। ये देखिए, अगर आपको इससे लेंथ और बढ़ा कर लेना है तो कपड़े की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ली है लेंथ इसकी 7.5 इंच गोलाई में नीचे से हमने इसे कट कर दिया है। ये देखिए अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर दोनों स्लीव्स की कटिंग मैं साथ में ही कर रही हूँ। सेंटर में मार्क करके इसे हम साइड में रख लेंगे और दूसरा वाला लेयर कट करेंगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई 12 इंच थी इस फैब्रिक की, इसे भी मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। इसे भी हम एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर एक दूसरी लेयर फोल्ड करेंगे। ये देखिए, और इसकी भी मार्किंग वहीं से करनी है हमें जहाँ से हमारा कपड़ा दोनों तरफ से बंद है। अब यहाँ पर जो मार्किंग हम करेंगे उसकी टोटल लेंथ आ रही है 6.5 इंच, 6.5 इंच ऊपर से ही देखिए आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है 6.5 इंच पर। तो इसे भी हमने राउंड में अम्ब्रेला मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से और इसे भी हमने कट करके निकाल देना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। कटिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि कपड़ा हमारा ऊपर या नीचे नहीं हो। मैंने यहाँ पर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है, आप कोई सा भी सॉफ्ट फैब्रिक यहाँ पर ले सकते हैं इस स्लीव्स के डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सेंटर मार्क कर लेना है और सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए देखिए आपको फैब्रिक को इस तरीके से रख लेना है। दोनों लेयर को आपको इस तरीके से यहाँ पर रखना है। आप चाहें तो इस पर पिन लगा लीजिएगा। इसके बाद हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि आर्म होल हमें कैसे निकालना है। यहाँ पर इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का किसी भी ड्रेस का स्लीव्स का कटिंग कर सकते हैं अम्ब्रेला पैटर्न पर। दोनों तरफ से ये पैटर्न बिल्कुल बराबर आना चाहिए। आर्म होल को आपको कैसे नापना है देखिए, यहाँ पर गोलाई में इंच टेप को रखते हुए इस तरीके से आर्म होल को नाप लीजिएगा। मेरे मेजरमेंट में आर्म होल आ रहा है 7 इंच, गोलाई में करके नापिएगा 7 इंच आ रहा है, इसमें मैं 1/2 इंच प्लस कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे आर्म होल और 7.5 इंच का हाफ कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से 7.5 इंच का हाफ मैंने कर लिया है, ये 4.25 इंच आ रहा है। तो 4.25 इंच पर हमने यहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है। जितना भी आपका आर्म होल आ रहा है उसमें 1/2 इंच आप प्लस करके लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 7.5 इंच का हाफ ले लिया है, 4.25 इंच। अब इसका भी आप हाफ ले लीजिए यहाँ पर, ये जो 4.25 इंच लिया है हमने इसका हाफ यहाँ पर ले लीजिए। इस तरीके से आप इंच टेप को डबल फोल्ड करके मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ रहा है 2.25 इंच।
ये देखिए इस तरीके से पौना दो इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। और अब हमने विड्थ में भी यहाँ पर इतना ही लेना है, पौना दो इंच, 1.75 इंच विड्थ में। और बस आपको इसे इस तरीके से गोलाई देते हुए मार्क कर लेना है और यहाँ पर इस तरीके से गोलाई में शेप दे देना है। ये जो सेंटर मार्क किया है वहीं से आपको 0.75 इंच मार्क करना है इस तरीके से और शेप देना है। तो ये रहेगा हमारा आर्म होल। यहाँ पर कटिंग से पहले आप पिन लगा लीजिए और इसे कटिंग कर देना है। तो आप इसे कटिंग करने के बाद अपनी स्लीव्स पर लगाकर चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल बराबर से आ रहा है या नहीं। अगर छोटा हो रहा है तो नीचे से आप इसे थोड़ी सी गहराई और दे सकते हैं, पर लगाने से पहले आपको इसे चेक ज़रूर कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये जो छोटा हमारा जो गहराई कम है जहाँ पर, वो पार्ट नीचे आएगा और ये जो लेंथ में ज़्यादा है वो पार्ट हमारा ऊपर शोल्डर पर आएगा। यहाँ पर आप सेंटर मार्क कर सकते हैं, छोटा नॉचेस दोनों तरफ आप लगा लीजिएगा ताकि आपको सेंटर मार्किंग मिलाने में आसानी रहेगी। एक जो ऊपर वाला सेंटर है वो हमारा शोल्डर पे आना चाहिए और जो नीचे वाला सेंटर है वो आर्म होल तरफ पर आना चाहिए। दोनों स्लीव्स को निकाल कर अलग अलग हमें कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए ये राउंड सर्कल है और स्लीव्स हमारी एकदम परफेक्ट यहाँ पर कटिंग हो गई है। इसके ऊपर हमने छोटी वाली लेयर रख लेनी है, तो दोनों लेयर को हम यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए और यहाँ पर सेंटर मार्क से सेंटर मार्क मिलाते हुए आपको दोनों लेयर को रख लेना है। इस पर आप एक रफ स्टिच लगा लीजिए ताकि इसे लगाने में आपको आसानी रहेगी। अच्छे से बराबर करते हुए सेंटर मार्क से सेंटर मार्क मिलाते हुए इस तरीके से इसे आपको अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं। ये देखिए दोनों लेयर को मैंने यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी लेयर को भी जॉइंट कर देना है। दोनों पार्ट रेडी करने के बाद एक बार देखिए कट के ऊपर मैं आपको चौक से यहाँ पर मार्किंग करके दिखा देती हूँ, ये सेंटर मार्क है। अब इसे अटैच करने के लिए देखिए आपको जो बड़ी लेयर है वो आपको ऊपर की तरफ रखनी है और जो छोटी लेयर है वो आपको नीचे की तरफ रखनी है ताकि ये स्लीव्स लगने के बाद पलट के सीधी हो जाए। यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सेंटर में ऊपर और नीचे की तरफ आपको पिन लगा देनी है। और यहाँ पर देखिए अब हम इसे इस तरीके से अटैच करेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन कवर करते जाना है और इस तरीके से आपको धीरे धीरे यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। इस पर आप डबल सिलाई लगा लीजिएगा और ये स्लीव्स आपको तभी लगानी है, तभी चढ़ानी है अपनी ब्लाउज पर जब आपने मेन फिटिंग लगा दी हो ब्लाउज की, तभी इसका जो लुक है वो अच्छा आता है। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है और ये बिल्कुल बराबर से अटैच हो गई है। दूसरी वाली स्लीव्स भी मैं इसी तरीके से यहाँ पर अटैच कर लूँगी। और अब इसका जो बॉटम है वो आपको किस तरीके से फिनिशिंग करना है, मेरे पास देखिए यहाँ पर बारीक फोल्ड करने के लिए फुट है तो वो मैंने अपनी मशीन में लगा दिया है। ये देखिए इसका जो बॉटम है वो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके का फुट होता है। और सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप इस पर जो है नीचे से अगर पीको करवा लेते हैं, आपके पास अगर पीको मशीन है तो पीको कर सकते हैं या फिर आप बाहर से भी करवा सकते हैं। पीको करने से इसका जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आता है। अगर आप पीको नहीं कराना चाहते तो अपने नॉर्मल मशीन के फुट से इसे बारीक आप फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एकदम पतली सिलाई लगा दूंगी, दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है और ये फ्रिल स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरीके से आएगी। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो प्रिंसेस कट बेल स्लीव्स का जो ब्लाउज़ है अम्ब्रेला स्लीव्स का वो बन के रेडी हो गया है। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब से